स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवित परमेश्वर चैनल में। तो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, जो लोग भी बहुत दिनों से बीमारियों में, कमजोरियों में, अन्य तरह की समस्याओं से परेशान हैं, रोगों से परेशान हैं, तो मेरे भाइयों बहनों, आज मैं कुछ वचन लेकर आया हूँ। अगर आप उसके द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा, क्योंकि प्रभु ने बोला है, क्योंकि प्रभु ने अपने नामों से ज़्यादा अपने वचनों को महत्व दिया। तो हाँ मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, अगर आप इन वचनों के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो आप जरूर स्वस्थ होंगे, क्योंकि वचनों में सामर्थ और शक्ति है। तो आइए हम देखते हैं और आपको बताते हैं कि किन किन वचनों के द्वारा परमेश्वर से कैसे बातें करना है, कैसे प्रार्थना करना है। पहला वचन है मत्ती की किताब उसका 8:7, जिसमें लिखा है, उसने हमारी सारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। अब प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु तेरे वचनों में लिखा है कि तूने हमारी सारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपकी दया की वजह से प्रभु मैं स्वस्थ हो गया, क्योंकि तूने हमारी सारी दुर्बलताओं को और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। आप इस तरह से बोल के अंगीकार कर सकते हैं और प्रभु आपको जरूर आशीष देगा और आप चंगे हो जाएंगे। और दूसरा वचन कुछ इस प्रकार है, भजन संहिता 91:16 कुछ इस प्रकार है, वो प्रभु बोलता है कि मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूँ। आप प्रभु से बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे इस बीमारियों के साथ दीर्घ आयु किसी काम की नहीं, प्रभु तू मुझे इन बीमारियों से आज़ाद कर, मुझे चंगा कर, ताकि मैं दीर्घायु खुशी से जी सकूं। आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द ही देगा। तो मेरे भाइयों बहनों, इस तरह से आप प्रार्थना करके देखें।